क्लाउड तो कर लिया था, आईओटी करवा देता हूँ यार थोड़ा सा ना, थोड़ा सा क्या ट्राई करवा देता है। आईओटी कोई बड़ा मॉड्यूल नहीं है, आईओटी बहुत छोटा सा मॉड्यूल है, इसमें कोई हैकिंग वैकिंग नहीं करने वाले हैं हम, ठीक है। इससे हम केवल हम आईओटी के बारे में थोड़ा सा टेक्नोलॉजीज वगैरह के बारे में जानते हैं, नथिंग एल्स, ठीक है। तो छोटा सा ही मॉड्यूल है, जल्दी से हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं आईओटी के साथ। सो व्हाट इज़ आईओटी? कोई समझाना चाहेगा मुझे आईओटी होता क्या है? डिफाइन कैसे करोगे आईओटी? सर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, राइट। कोई एग्जांपल दो मुझे एक्सप्लेन करने के लिए, बताओ। सर वॉशिंग मशीन। सर इससे घर में कोई फैन है सर, तो फोन से ही कंट्रोल हो रहा है वो, उसको आईओटी में इंक्लूड कर सकते हैं। एग्जैक्टली तो क्या है ना कि अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि चीज़ें जो है इंटरनेट से कनेक्ट होने लग गई हैं, ठीक है। तो आईओटी का मतलब क्या है? सिंपल जो आपके ट्रेडिशनल अप्लायंसेस थी, अब जो इंटरनेट से कनेक्ट हो जा रही है तो वो आईओटी बन जा रही है। जैसे वॉशिंग मशीन हो गई, ठीक है, रेफ्रिजरेटर हो गया, आपने फ़ैन का एग्जाम्पल ले लिया, फ़ैन भी हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या है, जो भी डिवाइसेस अब आपके इंटरनेट से कनेक्ट हो जा रही हैं, दे बिकम्स द पार्ट ऑफ द आईओटी। वॉशिंग मशीन जो है अब आपको फ़ोन पे मैसेज करेगी कि कपड़े सूख गए हैं, ड्राई हो गए हैं, निकाल लो। ओके, फ़ोन आपको टेक्स्ट करके बताएगा कि बर्फ़ जम गई है, कोल्ड कॉफ़ी बना लो, ठीक है। तो एडवांस हो जा रही हैं भाई चीज़ें। वेल यू गेट दी आइडिया। अब तो खैर साफ सफाई करने के लिए भी रोबोट्स आने लग गए हैं। देखे होंगे तुमने, एमआई का रोबोट आता है, एक ऐसे सिलेंड्रिकल शेप का रहता है, घर में घूमता रहता है साफ सफाई करने के लिए, देखा है तुमने? अच्छा, उसका ऐड देखा है सर, यूट्यूब पे देखा है, यूट्यूब पे। क्या कर रहे हो? नहीं देखा सर? नहीं देखा, चलो कोई बात नहीं, होता है, देख लेना, इंटरनेट पे देख लेना। रोबोट आते हैं हम साफ सफाई करने के लिए, काम वाली की कोई ज़रूरत नहीं है अब आप लोगों को, ठीक है ना। वो घूमता रहेगा घर के अंदर, उसको चार्ज करके छोड़ दो, उसके नीचे वैक्यूम क्लीनर लगा रहता है छोटा सा, और टकराता है अगर कहीं पे आकर के तो अपने आप घूम जाता है, इतना स्मार्ट होता है वो। तो डिवाइसेस जो अब स्मार्ट बन गई है, इंटरनेट से कनेक्ट हो गई है, उन्हीं को हम बोल देते हैं स्मार्ट डिवाइसेस के आईओटी डिवाइसेस। ओके, सो जैसे हमने नेटवर्किंग के अंदर जो है, आपने देखा होगा अलग अलग नेटवर्किंग के मॉडल्स होते हैं, कम्युनिकेशन मॉडल होते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास 5 लेयर्स का आर्किटेक्चर मॉडल होता है आईओटी के केस में, ठीक है। 5 लेयर्स होती है कम्युनिकेशन मॉडल में, एप्लीकेशन लेयर, मिडलवेयर लेयर, इंटरनेट लेयर, एक्सेस गेटवे लेयर और एज टेक्नोलॉजी लेयर, ठीक है जी। अब इन लेयर्स का काम क्या क्या होता है? तो भाई एप्लीकेशन तो सिंपल है, आप इन लेयर्स को जो है अपने TCP/IP मॉडल या OSI मॉडल के साथ रिलेट करने की कोशिश करना, तो आपको ये लेयर ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगी। तो एप्लीकेशन लेयर क्या होती है? वही सिंपल है, जो लेयर हमारी डायरेक्टली यूज़र इंटरफेस से इंटरेक्ट करती है, जो डायरेक्टली यूज़र जिससे इंटरेक्ट करता है, वो हमारी एप्लीकेशन लेयर होती है। जो हमें UI UX प्रोवाइड करती है, वो हमारी एप्लीकेशन लेयर होती है, ठीक है, जिसके थ्रू आप अप्लाइंसेस को कंट्रोल कर पाते हो, ठीक है, मैनेज कर पाते हो। वो जो इंटरफेस प्रोवाइड होता है वो हमारा एप्लीकेशन लेयर पर काम कर रहा होता है बेसिकली। Okay, that is your application layer. Then comes your internet layer. So internet layer जो होती है हमारी, वहाँ पे आपकी पूरी पूरी IP addressing and all that stuff होता है, ठीक है। सेम चीज़ हमारे TCP/IP मॉडल में भी रहता है, तो सेम चीज़ है, दोनों लेयर्स सेम है। और जो बीच में आ गई हमारी मिडलवेयर लेयर, सो मिडलवेयर लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है बेसिकली जो भी आपका एप्लीकेशन लेयर टू इंटरनेट लेयर जो भी डेटा ट्रांसलेशन करना है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी मिडलवेयर लेयर, ठीक है जी। फिर हमारे पास है थोड़ा नीचे अगर हम चलते हैं तो एक्सेस गेटवे लेयर हो गया या फिर एज टेक्नोलॉजी लेयर हो गया। तो ये हमारी जैसे दूसरे मॉडल्स के अंदर डेटा लिंक और फिजिकल लेयर्स होती हैं, तो आप उनकी तरह इनको समझ सकते हो। तो जो एज टेक्नोलॉजी लेयर है वहाँ पे क्या है, हमारे जो भी हार्डवेयर बेस्ड स्टफ्स हैं वो काम करेगा, ठीक है। जैसे आपकी IoT डिवाइसेस होगी वो सब चीज़ें हमारी एज टेक्नोलॉजी लेयर में आएंगी। जो भी आपके सॉकेट्स हो गए, प्लग्स हो गए, वायर्स हो गए, जो भी आप यूज़ कर रहे हो डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए, वो सब चीज़ें हमारी एज टेक्नोलॉजी लेयर में आ जाती है, ठीक है। तो ये ओवरव्यू है, यहाँ पे ज़्यादा हमें कोई डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो 5 लेयर्स का आर्किटेक्चर रहता है यहाँ पे। फिर हमारे पास यहाँ पे है कुछ IoT की टेक्नोलॉजीज़ एंड प्रोटोकॉल्स जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। सो टेक्नोलॉजीज़ एंड प्रोटोकॉल्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो हर सब चीज़ों को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, ये रहे। पहला है वायर्ड, दूसरा है वायरलेस और तीसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या आपको पता है कि IoT डिवाइसेस के लिए अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन किए जाते हैं, उन पे अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किए जाते हैं, यू नो? नो सर, ठीक है। तो ये सब चीज़ों की भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स की यहाँ पे बात करूँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं, राइट OS हो गया, इंटीग्रिटी आर्टॉस हो गया, उबंटू कोर हो गया, रियल सेंस OS हो गया। सो ये सब कुछ OS हैं जो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। आर्टॉस हो गया, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर डेडिकेटेडली हमारे IoT के लिए डिज़ाइन किए गए ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ठीक है ना। कल को अगर आप कोई IoT का कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हो तो यू विल बी रिक्वायर्ड टू इंटरैक्ट विद दीज काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है ना। कभी अगर आपको कुछ रास्पबेरी पाई पे या आर्डुइनो वगैरह पे कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाना रहता है, ठीक है, एंड यू वांट एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू बी लोडेड ऑन योर डिवाइस, सो इनमें से आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करके लोड करने वाले हो। खैर, इसके अलावा उबंटू का भी आता है, उबंटू कोर नाम से, उबंटू कोर। केवल IoT डिवाइसेस के लिए। खैर, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ आपको पता रहने चाहिए कि होते हैं, ठीक है। इसके अलावा वायर्ड कम्युनिकेशंस की अगर मैं बात करूं तो वायर्ड कम्युनिकेशंस में हमारे पास जो है ये ईथरनेट केबल्स आ जाती हैं, जो आपको ऑलरेडी पता होंगी। ईथरनेट केबल्स आपने देखी होंगी, यूज़ भी करी होंगी, ठीक है ना, पता आप देखिए आपने। बाकी की भी 2 टाइप्स की केबल्स हैं, जैसे MoCA हो गया, PLC हो गया, ठीक है। बस इट इज़ जस्ट लाइक कि आपको ये आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो कि वही केबल्स है जो आपने देखी है, ठीक है। ईथरनेट केबल तो सबने देखी है, राइट? यस, सबको आइडिया होगा ईथरनेट केबल का, नहीं? जो RJ45 कनेक्टर होता है आपका, जिस पे लगता है। फिर हमारे पास होता है MoCA केबल, MoCA भी देखी है आपने। फिर PLC भी देखी है आपने। PLC होता है आपका पावर लाइन कम्युनिकेशन। तो ये वो केबल्स होती है जो आपकी 2 टावर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। बड़े बड़े टावर होते हैं, उनमें मोटी मोटी लाइंस जा रही होती हैं आपकी कनेक्ट करते हुए, वो PLC की लाइंस होती हैं वायर्ड कम्युनिकेशन के लिए। कोई डाउट है? नो सर, मेरा कोई कुछ पूछ रहा है? चलो आगे। तो PLC आपकी टावर टू टावर कम्युनिकेशंस के लिए PLCs होती हैं आपकी, ठीक है। फिर MoCA की अगर मैं बात करूँ, मल्टीमीडिया ओवर कोएक्स अलायंस, सो ये आपकी जो है कोएक्सियल केबल्स होती हैं, ठीक है। देखिए हैं कोएक्सियल केबल जो देखी हैं, जनरली ये टीवी वगैरह की लाइन्स में यूज़ होती है। ये पढ़ा होगा ना, इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास में पढ़ा होगा शायद से आपने बीटेक में, कोएक्सियल टाइप्स ऑफ केबल या नेटवर्किंग के उसमें पढ़ा होगा, टाइप्स ऑफ केबल्स में होती है ना। देखो ये जैक देख के पहचान में आ रहा है। यस सर, टीवी में लगता था ये पहले। यस सर, हाँ राइट, ये वही है। देखा है आपने, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे बस। सो वायर्ड कम्युनिकेशन में कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज आती है। फिर हमारा होता है वायरलेस कम्युनिकेशन। सो वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर हमारे पास आ जाता है शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन। सो शॉर्ट रेंज में क्या होता है? शॉर्ट रेंज में होता है हमारे पास जैसे ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी हो गई, वाईफाई टेक्नोलॉजी हो गई, लाईफाई हो गया, एनएफसी हो गया, आरएफआईडी हो गया। ये सब चीज़ें जो है हमारी शॉर्ट रेंज में आ जाती है, ठीक है। इसमें से वाईफाई पता होगा ऑलरेडी आपको, ब्लूटूथ भी पता होगा, एनएफसी पता है। सर नहीं पता, यूज़ भी नहीं किया। दिल्ली में रहते हो? कहाँ रहते हो? ओके, कभी दिल्ली वैसे विजिट किया है? कभी आयो दिल्ली मेट्रो वगैरह में आप होंगे। यस सर। वहाँ पे टोकन मिलता है आपको? यस सर मिलता है। टोकन को टच करवाते हो गेट पे और फिर गेट खुल जाता है। हाँ। वहाँ पे एनएफसी काम कर रहा है आपका। वो गेट्स जो होते हैं हमारे, वो एनएफसी एनेबल्ड गेट्स होते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि आपको कितना क्लोजली एकदम ऐसे टच करवाना पड़ता है टोकन, तभी कम्युनिकेशन हो पाती है। ऐसे ये नहीं कि ऊपर से किया तो हो जाए, अपने आप खुल जाएगा गेट, वो नहीं हो पाता। तो एनएफसी जो है ना, बहुत क्लोजली जब आप टू डिवाइसेस को लेके आते हो तभी कम्युनिकेशन हो पाती है एनएफसी के अंदर, ठीक है। अब तो फ़ोन के अंदर भी एनएफसी आते हैं। मैं फ़ोन का एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आपको कि फ़ोन के अंदर अगर आपको एनएफसी से डेटा ट्रांसफ़र करना है तो कैसे होएगा, मतलब कितना क्लोज आपको रखना पड़ेगा, दिखा देता हूँ। ये देखो, जैसे ये हो गया, इतना क्लोजली आपको रखना रहेगा डिवाइसेस को, जैसे ये हो गया। आप देख रहे हो यहाँ पे आपको डिवाइसेस को कितना क्लोजली रखना पड़ रहा है, ऑलमोस्ट एक के ऊपर एक, ऑलमोस्ट एकदम चिपका करके। सो एनएफसी काफ़ी शॉर्ट रेंज के लिए होती है आपकी, ठीक है। डे टू डे यूसेज की बात मैं करूँ तो डे टू डे आप जो है मेट्रो वगैरह में यूज़ करते हो एनएफसी को। फिर आरएफआईडी आ जाता है। आरएफआईडी क्या होता है आपका? रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू जब आप कम्युनिकेशन करते हैं। सो रेडियो फ्रिक्वेंसी के का कोई एग्जांपल है आपके पास? कहाँ यूज़ करते हो, कुछ फिर बताना चाहोगे? बताओ आरएफआईडी का एग्जांपल, सोच के बताओ मुझे फटाफट से। सोचो कुछ तो सोचो। सर फोन को रिमोट कैसे काम करना है? कौन सा रिमोट? फोन को मतलब रिमोट कैसे एक्सेस काम करना है। ओके ठीक है, इट्स वन एग्जांपल। ओके एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ। कार में एफएम वगैरह सुनते हो, वो भी रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहा होता है, ठीक है। आप तो चैनल चेंज करते हो ना एफएम के। एफएम पता है फुल फॉर्म क्या होती है एफएम की? एफएम होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर बेसिकली। और जो आप वो एफएम पे चैनल चेंज करके गाने सुन पाते हो ना, वो कैसे हो पाता है? आप अलग अलग अपनी फ्रिक्वेंसी चेंज करते हो रिसीव करने की, ठीक है। चलो ये छोड़ो, ये तो लॉन्ग रेंज की बात होगी। शॉर्ट रेंज की मैं बात बताऊँ आपको, शॉर्ट रेंज में कार्स होती है हमारी सेंटर लॉकिंग वाली कार्स, उसमें आप रिमोट होता है कार का, रिमोट बटन दबाते हो कार लॉक हो जाती है, बटन दबाते हो कार अनलॉक हो जाती है। ये तो पता होगा ना आपको, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम कार का। यस सर पता है। वो हमारे RFID से हो पाता है, वो RFID इनेबल रिपोर्ट्स होते हैं, ठीक है। वो RFID के थ्रू हो पा रहा है। ओके, इसके ऊपर मैं आपको एक अटैक भी बताऊंगा RFID की अगर बात कर रहे हैं हम, तो IoT में रहता है हमारा एक अटैक। ओके, Li-Fi सुना है किसी ने? Li-Fi, लाइट फिडेलिटी। नो सर, ये सुना? हाँ सर, सुना है किसी ने? हाँ हाँ, समझा दो मुझे भी क्या होता है Li-Fi। भाई कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट है एक्चुअली ये, ठीक है। प्रैक्टिकली अभी रियलिटी में नहीं आया ये, और कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि जो लाइट है ना, लाइट को एज अ मीडियम बना करके, लाइट एज अ मीडियम फॉर डेटा ट्रांसफर यूज़ की जाए, ठीक है। दैट इज योर Li-Fi बेसिकली। अरे बात समझ में, इमेज दिख रही है? इमेज दिख रही है ये? गाइज इमेज दिख रही है ये जो मैंने खोली है? जैसे दिख रही है यहाँ पे कुछ सिग्निफाई करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे आप देख रहे हो जितने भी एरिया में लाइट है उतने एरिया में ऐसे 0-1 डेटा बेसिकली ट्रांसफर हो रहा है। सो लाइट को एज अ मीडियम ऑफ ट्रांसफर जब हम यूज करने लग जाएंगे तो उसको बोलेंगे Li-Fi, ओके। दैट इज योर Li-Fi। तो इतना ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी कोई Li-Fi नहीं यूज़ कर रहा है, एटलीस्ट इंडिया में तो कोई Li-Fi यूज़ नहीं कर रहा है ना, मैंने कभी देखा ऐसा कुछ होते हुए, ओके। बस ये पढ़ रहा था तो मेरे को Li-Fi का भी एक कॉन्सेप्ट मिल गया था तो मैंने डाल दिया था नोट्स में। सिमिलरली यार हमारे पास, जैसे हमने शॉर्ट रेंज की बात करी, ऐसे मीडियम रेंज की भी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं वायरलेस कम्युनिकेशन की, और सिमिलरली हमारे पास लॉन्ग रेंज की भी टेक्नोलॉजीज होती है वायरलेस कम्युनिकेशन की, ठीक है। मीडियम रेंज में जैसे हो गया आपका HLO हो गया, ठीक है। इसके अलावा LTE एडवांस हो गया, ये आप रेगुलरली यूज़ भी करते हो मीडियम रेंज के लिए, आपके फ़ोन में लिखा भी आता होगा ऊपर LTE एनेबल्ड ऐसे करके। लॉन्ग रेंज की अगर मैं बात करूँ तो लॉन्ग रेंज भी आप रेगुलरली यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका सेलुलर नेटवर्क्स हो गए, ये आपके लॉन्ग रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन के काम आते हैं, ठीक है। जैसे आपका VSAT हो गया, LPWAN हो गया, लो पावर वाइड एरिया नेटवर्किंग और वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। तो ये सब कुछ टेक्नोलॉजीज हैं हमारे पास मीडियम रेंज की और लॉन्ग रेंज की वायरलेस कम्युनिकेशंस, ठीक है। सो